हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर दीप्तिका। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता देती हूँ, ये जो वीडियो है ना, मैं एक बार शूट कर चुकी हूँ और मुझे डिलीट करनी पड़ी। एंड रीज़न ये था कि कल हमारी सोसाइटी में था कीर्तन, तो मैं मतलब आधा पार्ट उसका शूट कर चुकी थी वीडियो का। फिर उसके बाद जो है तैयारियाँ शुरू हो गई कीर्तन की, फिर उसमें मुझे हेल्प करनी पड़ी। ठीक है, सब मिलजुल के करा रहे थे तो उसमें हेल्प करनी पड़ी। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब हम लोग लगे थे 12 बजे से, हम लोग स्टार्ट मतलब 12 बजे से हमने स्टार्ट किया था तैयारियाँ वैयारियाँ सब कुछ। उसके बाद हम फ्री हुए हैं 5 बजे, एंड 5 बजे के बाद मुझे इतनी ज़्यादा थकन हो गई कि मतलब पैर में खड़ी हो रही थी ना, तो मतलब खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं इतना। और ऐसा भी नहीं है कि मैं खड़ी रही हूँ कीर्तन में, मतलब बैठ के ही कीर्तन हुआ था। बट कहते हैं ना कि आदमी इतना काम करते हुए नहीं थकता जितना कि बैठ के थक जाता है। तो फिर मेरा मन ही नहीं हुआ, फिर मैंने सोचा कि जो ये वीडियो है मैं दोबारा शूट करूँगी, क्योंकि वही ना, आधे मैं अलग कपड़ों में करती, आधे मैं अलग कपड़ों में करती, तो मैंने सोचा मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और जो चीज़ हमने सोच के रखी होती है या जो फ्लो होता है वो हमारा टूट जाता है, और फिर वो वीडियो में वो बात नहीं आती है। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि मैं ये जो मैंने जो बना रखी है वीडियो, वो मैं कर दूंगी डिलीट, उसके बाद मैं दोबारा बनाऊंगी। तो ये मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ। ठीक है, ये वीडियो मैंने बनाई थी मंडे में, मैंने वीडियो बनाई थी वो, ठीक है, मंडे वाली मैंने डिलीट कर दी। अब मैं ये ट्यूसडे में बना रही हूँ, क्योंकि मंडे में मेरा कोई वीडियो नहीं आया, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, और वही है ना कि गैप नहीं करना है। एंड हाँ, एक चीज़ और, ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया है, पता नहीं मेरा ना रूटीन नहीं बन पा रहा है चीज़ों का, तो इस चक्कर में जो वीडियो है वो लेट हो जा रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो हो जाता है ऊपर नीचे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता रानी की पूजा और वो सारी चीज़ें, बाकी ये तो खैर इस पर तो काम कर ही रहे हैं। ये है कि जल्दी नहीं तो लेट वीडियो आएंगी, बट आएंगी ज़रूर। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस, आपने देखा होगा जो सपना दी है वो अपनी बिजनेस की स्टार्ट करने जा रही हैं, और जब ये वाला जो वीडियो आया था उनका, तो लोग मतलब देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि इस रूप का वो काफ़ी लोग से वेट कर रहे थे, मतलब जो उनके सब्सक्राइबर हैं, जो उनके ऑडियंस है, वो इस रूप का बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि सपना को कब हम इस रूप में देखेंगे, कि मतलब ये जो एनर्जी है, जो चमक है चेहरे पर, ये मतलब वो लोग देखने को तरस रहे थे जो ऑडियंस है। एंड जब सपने को मैंने भी देखा तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, और वो साड़ी वही थी जो राजवीर भैया ने उनको गिफ्ट की थी। एंड वो कहते थे सपने से कि तुम्हें इसी टाइप की साड़ियाँ पहना करो, तो उन्होंने कहा था कि आप मुझे एक बार ला, मतलब मुझे आप एक बार ला के देना साड़ी, कि किस टाइप की आप साड़ी चाहते हो कि मैं पहनूँ। तो वो तो राजवीर भैया ये वाली साड़ी लेके आए थे, एंड बाकी में वो साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी लग रही थी, और सपने जी के चेहरे पर एक अलग ही मतलब अलग ही चमक थी, एंड बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड साथ में उनका जो कॉन्फिडेंस था वो भी एक अलग ही लेवल पे था, आपने देखा होगा। एंड वो वहाँ से करने जा रही थी अपनी बिजनेस की न्यू स्टार्ट, एंड इस न्यू जर्नी में वो चाहती थी कि जो राजवीर भैया हैं उनके साथ रहें। मतलब कहते हैं ना, जब इंसान की कोई लाई हुई चीज़ हम पहनते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वो हमारे साथ में है, तो उन्होंने उस दिन वो वाली साड़ी पहनी। एंड वो हमेशा से चाहती थी कि अपना मतलब यूट्यूब से हटके भी कुछ अलग वो करें, और यूट्यूब का आपको पता है कोई परमानेंट ये जॉब नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है बंद, जैसे टिकटॉक भी बंद हो गया था, तो यूट्यूब का भी कोई भरोसा नहीं है। साथ में ये है, साइड में कुछ अलग बिजनेस या जो भी काम है वो होना चाहिए, जिससे कि जो अर्निंग है वो हमारी कभी रुके ना, और जो उनके खर्चे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई है, रेंट है, ये सारी चीज़ें रुके ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूट्यूब से हटके भी कुछ, हर किसी को यूट्यूब से हटके भी अपना कुछ अलग से करना चाहिए। अभी एक यूट्यूबर हैं तो अंकुश सक्सेना, तो उनका जो चैनल है वो हैक हो गया, मतलब 1 मिलियन थे दोनों के, वाइफ और हस्बैंड, मतलब दोनों वाइफ और हस्बैंड का, दोनों का ही चैनल हैक हो गया, स्वाति श्रीवास्तव और अंकुश सक्सेना, दोनों के 1 मिलियन थे, मतलब उनके जो वाइफ है उनके होने वाले थे और अंकुश सक्सेना के हो चुके थे। तो तभी कहते हैं मतलब YouTube का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, इसलिए अपनी जो साइड जो भी काम है वो कुछ होना चाहिए आपका, जिससे कि आपके जो खर्चे हैं, मतलब ये नहीं है आप पूरी तरीके से YouTube पर डिपेंड रहो, तो हमें अलग से भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड सपना दी हमेशा से, एंड आपको पता है सपना का शौक हमेशा से कपड़ों में रहा है, मतलब साड़ियों में, और
सूट वगैरह में रहा है। और आपने पहले देखा होगा सपना जी जब भी अपनी ब्लॉग बनाती थी, उनकी जो वीडियो आती थी पहले की, आप वीडियो देखना जब राजीव भैया थे तो हमेशा वो ड्रेसअप होकर वीडियो शूट करती थी और बहुत अच्छे से ड्रेसअप होती थी, अच्छे से मेकअप वगैरह करती थी तब वो अपनी वीडियो बनाती थी। एंड उसके बाद से लोगों ने अब उनको इस तरीके से देखा तो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे उनके लिए, और लोग काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप प्लीज़ इसी तरीके से रहा करो, इसी तरीके से तैयार होकर रहा करो। एंड उनकी ऑडियंस है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया सपना दी को, ठीक है। एंड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे लिए हेट है या जो भी उनके रिश्ते ख़राब हुए हैं, मतलब जितना जो भी कुछ हुआ है पीछे लाइफ में उनके, तो वो सारी चीज़ों को साइड में रख के पीछे छोड़ के वो इस बिज़नेस की शुरुआत करने जा रही थी। और उन्होंने कहा कि मुझे अब अपने काम पे फोकस करना है, अपने बच्चों पे फोकस करना है, बाकी मुझे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बाकी कौन मेरे लिए कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले पढ़ता था के चक्कर में मैंने अपनी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बर्बाद कर ली है, एंड इसके चक्कर में मैं ना अपने काम पे फोकस कर पाई, ना मैं अपने खुद पे ध्यान दे पाई, ना मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे पाई, और ओवर थिंकिंग करती थी वो अलग। तो उन्होंने खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है तो, और उन्होंने अब बोला है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपना जो काम है स्टार्ट करना चाहती हूँ और अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। फिर आपने देखा होगा सपना दी जो है विज़िट करती हैं एक शोरूम पे, एंड उसके जो ऑनर थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सभी को गाइड किया कि किस तरीके से आप कम पैसों से अपने बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये उन सारी महिलाओं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी जो अपना काम करना चाहती हैं, जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, तो वो एक बहुत ही कम अमाउंट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। एंड आपने देखा होगा जब सपना दी विजिट करती हैं उस पूरे शोरूम का और वो एक एक चीज़ दिखाती हैं, मतलब विद प्राइस, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जो प्राइस हैं वो रिवील करते हैं, क्योंकि अगर वो प्राइस रिवील हो जाते हैं तो कस्टमर यही कहेगा कि आपको इतने का पड़ा है तो हम इतना महंगा क्यों लें। क्यों, ये जो मीटिंग थी सपना दी की वो गुजरात में, मतलब सूरत में थी, तो आपको पता है सूरत कपड़ों के लिए ही माना जाता है, मतलब खासकर साड़ियों के लिए ही जाना जाता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी शॉप थी तो होलसेल का मुझे भी आइडिया है, जैसे कि आपने समय की वीडियो में देखा होगा, मतलब कुछ कुछ साड़ियाँ 100 रुपये की 45 रुपये की भी थी, तो वो आपको वाला रेट तब मिलेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पीस लोगे, ठीक है। जैसे आपने 100-150 साड़ियाँ ली हैं, 200-300, जितना आप ज़्यादा आपके पीस होंगे उतना ही जो रेट है वो कम होता जाएगा। अगर आप सिंगल पीस लोगे ना तो आपको वो महंगा पड़ेगा। होल सेल का मतलब यही होता है कि अगर आप ज़्यादा होल सेल में चीज़ लेते हो तो भी आपको तभी आपको सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो सपने ने सारी चीज़ें दिखाई, एंड जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको भी एक आइडिया मिल गया। एंड सपने ने अपनी जो भी बातें थी वो उनके सामने बहुत अच्छे से रखी, एंड सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से समझी। जल्दी आपको देखने को मिलेगा जो सपने ने ये बिज़नेस कर रही है, तो आप वहाँ से कैसे शॉपिंग कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो सब कुछ बताएंगी, और बहुत जल्दी आपको जो है उनका स्टोर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई बिज़नेस की बात। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे आता है अंशु का ब्लॉग, और जैसे ही अंशु का ब्लॉग आया लोगों ने फिर सपना के लिए हेट करना, मतलब हेट फैलाना शुरू कर दिया अंशु के वीडियो पे। एंड अंशु के वीडियो पे इतने नेगेटिव कमेंट सपना दी के लिए लोगों ने किए कि मतलब भैया ना ये लोग आदत से मजबूर हैं, इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि कैसे कोई इंसान आगे बढ़ रहा है, कैसे मतलब ये लोग जो हेटर्स होते हैं ना वो ये सोचते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ों से डील कैसे कर रही है और इसको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। फ़र्क यार सबको पड़ता है, बट तो भैया ना अगर वो ये चीज़ें अपने ऊपर लेके बैठ गई तो कौन उनके बच्चों को पालेगा, कौन वो मतलब कैसे वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाएंगी। एंड इस चक्कर में उन्होंने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट किया है उनका, आपने देखा होगा वीडियो भी टाइम पे नहीं आता था, वीडियो आता ही नहीं था, एक दो दो दिन में उनका वीडियो आता था। देखो वही होता ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, किसी के नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसी इंसान के ऊपर, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई इफेक्ट नहीं करते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, तो वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। उनमें से सपना दी भी ऐसी हैं, एंड वो तो ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं। एंड जब लोगों को पता चला सपना दी जो हैं अपने न्यू बिज़नेस के लिए सूरत गई थी, मतलब गुजरात गई थी, फिर लोगों ने अंशु के वीडियो पे मतलब बोलना शुरू कर दिया कि जो अंशु का चैनल हैक हुआ था वो सपना ने किया, एंड सपना ने अंशु के साथ गेम खेला, बहुत सारे उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए जो कि हमेशा से आपने देखे होंगे सपना जी के लिए लोग करते हैं,
ठीक है, इनको मौका चाहिए होता है कि कैसे सभी को टारगेट करें, तो वो उनका काम है। एंड लोगों ने ये कहा कि जिस दिन सपना दी ने अंशु को तो जो चैनल देने की बात की थी द रॉड, वो वाली बैकग्राउंड को सपना की जो बिजनेस वाली वीडियो आई थी, मतलब जिसमें वो साड़ी के शोरूम पे गई थी, तो उसकी बैकग्राउंड और उसकी बैकग्राउंड सेम थी। जो अंशु का चैनल हैक हुआ था उसका इल्जाम पूरा सपना दी के ऊपर डाल दिया। मतलब लोगों ने ये कहा कि सपना अंशु का जो चैनल था वो सपना ने हैक किया, क्योंकि उस दिन सपना गुजरात में थी। जैसे कि आपको बताया, अंशु ने बताया था उसका जो चैनल 3 डिवाइस में लॉग्ड इन हुआ है वो गुजरात साइड से है, तो इससे लोगों ने मतलब उनका जो शक था वो पक्का हो गया उनका, और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अंशु का जो चैनल है वो सपना दी ने हैक किया। अंशु ने जो ये वीडियो बनाई थी ना, तो उससे पहले सपना दी ने अंशु से बात करी थी। उन्होंने अंशु की वीडियो पे जो सपना दी के हेट कमेंट लाइक हुए थे उसके बारे में सपना दी ने ऑन कैमरा कभी भी आके नहीं बोला कि मेरे लिए नेगेटिव कमेंट अंशु की तरफ से लाइक हुए। उन्होंने अंशु से बात की थी और अंशु ने पता नहीं क्या ही सोच के, पता नहीं हड़बड़ी में क्या कैसे उसने फौरन वीडियो डाल दी। एंड उसने जब ये कहा कि जो भाभी हैं मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, वो मेरी बात नहीं मान रही हैं, अंशु की ऑडियंस है और एंड सपना की ऑडियंस भी थी उसमें, तो वो सपना के ऊपर भड़क गए। उनको लगा कि जो सपना दी हैं वो अंशु पे ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। एंड अंशु को ये भी पता था कि सपना दी मीटिंग के लिए गुजरात जाने वाली हैं। अंशु को इसलिए पता होगा क्योंकि अंशु भले ही अपने गाँव में थी और सपना दी यहाँ थी, बट ये दोनों मतलब उसके बाद भी आपस में मिलजुल के काम करते थे। मतलब कुछ भी चीज़ होती थी सपना दी भेजती थी और वहाँ से वो कभी एडिट करके थंबनेल बना के वो भेजती थी, ठीक है। एंड आपने देखा होगा अंशु का जो व्हाट्सएप है वो भी सपना दी के लैपटॉप में अभी भी है, तो ये लोग काम करते थे मिलजुल के, ठीक है। कोई चीज़ एडिट करानी हो या थंबनेल वगैरह बनाना हो तो अंशु वहाँ से भेजती थी, मतलब मिलजुल के काम होता था। तो जाहिर सी बात है जब आपस में चीज़ें हो रही हैं, जब आपस में मिलजुल के काम हो रहा था, तो दोनों चैनल का एक्सेस एक दूसरे के पास होगा ही होगा, दोनों के फ़ोन का एक्सेस एक दूसरे के पास होगा ही होगा। अंशु के पास सपना का होगा, सपना के पास अंशु का होगा। तो हो सकता है सपना दी ने गुजरात में मतलब देखने के लिए खोला हो अंशु का चैनल, या जो भी है, ठीक है, जो भी रीज़न रहा होगा। बट जब अंशु को पता था कि सपना दी गुजरात जाने वाली हैं, तो उसको ऑन कैमरा ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। और पता नहीं वो हड़बड़ी में घबराहट में कैसे क्या बोल गई, बट सपना दी को नहीं पता था इस बारे में। और सपना दी का जो गुस्सा था वो इसीलिए था कि अंशु ने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी मेरे से डिस्कस नहीं किया, और उसने जो है वीडियो बना दिया। सपना दी का गुस्सा केवल इसीलिए था। एंड जो सपना दी के हेट कमेंट लाइक हुए थे उसके बारे में तो उन्होंने कभी बोला ही नहीं ऑन कैमरा आके। उन्होंने यही कहा था कि अंशु को एक बार मेरे से डिस्कस करना चाहिए था, उसने बस थोड़ी देर बात की थी मेरे से, फिर आरोही रोने लगी थी, उनको मैं देखने चली गई, इस बीच उसने अपनी वीडियो है वो डाल दी। एंड जब अंशु ने ये बोला कि भाभी मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो लोगों का जो गुस्सा था वो सपने के ऊपर फूट गया, लोग भड़क गए उनके ऊपर। उनका यही कहना था कि अंशु उन पे इतना ट्रस्ट करती है अपनी भाभी पे, और जो भाभी हैं वो अंशु पे ट्रस्ट नहीं कर रही हैं, वो इतना रो रही है, इतना कह रही है कि उसने ये सारी चीज़ें नहीं की हैं, तो भी वो उन पे विश्वास नहीं कर रही हैं। तो चीज़ें यहाँ से बिगड़ गईं। एंड लोगों को जो चाहिए था, जो लोग चाहते थे कि इनका इनके बीच में दरार आए, इनका रिश्ता ख़राब हो, तो कहीं ना कहीं वो लोग हैं वो कामयाब हो गए। एंड जो लोग कह रहे थे सपना ने अंशु को दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, वो सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है, अगर ऐसा कुछ होता तो सपना दी कभी अंशु से मिलने नहीं जाती, उसकी चीज़ें कभी देने नहीं जाती। एंड सपना की ससुराल से अंशु ही उनका सपोर्ट सिस्टम थी, जो उनकी अच्छे बुरे सारे दिन में उसने उनका साथ दिया। एंड आप लोगों को भी पता है सपना दी कितना रोई है अंशु के लिए। एंड तभी सपना दी ने अंशु को बोला था कि वो थोड़ी ना समझ है, तो भैया ना तो जो गलतफहमियां होती हैं ना वो रिश्ते को खा जाती हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि आप इन दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा मत करो, और उनका एक रिश्ता है एंड उनका दिल का रिश्ता है, तो वो ऐसे आसानी से नहीं टूटेगा। चीज़ें एक दूसरे में मनमुटाव भले हो जाए, बट रिश्ता उनका जो है वो टूटेगा नहीं। एंड जो इन दोनों का रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और कभी ना कभी ये दोनों आपस में मिल ही जाएंगे। एंड साथ में ये भी कहा कि आप प्लीज़ ना ही तो अंशु के लिए कुछ बुरा बोलो, ना ही सपना के लिए बुरा बोलो। तो यही होती है एक अच्छी ऑडियंस की पहचान, जो कि वो दोनों तरफ का सोचते हैं, तो मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी फैमिली टूटे, है ना, या किसी एक के लिए बुरा बोल दो एक के लिए अच्छा बोल रहे हो, तो वो ऑडियंस आपकी रियल ऑडियंस नहीं होती है। रियल ऑडियंस आपकी वही होती है एंड जो भी उनके रिश्ते हैं वो ठीक रहें, उनकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे, वो लाइफ में तरक्की करें, तो वो लोग ये चाहते हैं।
बाकी जो आग लगाने वाला काम करते हैं वो उनका ये होता है ना, वो इधर के होते हैं ना वो उधर के होते हैं, उनको बस आग में घी डालना होता है, उनको मजे लेने होते हैं, बाकी उनका किसी के दुख से लेना देना नहीं होता, किसी के सुख से लेना देना नहीं होता, ना ही अंशु से कुछ लेना देना उनका, ना ही सपनी से लेना देना उनको, बस यहाँ थोड़ा तड़क भड़क चाहिए, बाकी कुछ लेना देना नहीं है किसी को भी। एंड हम सब यही चाहते हैं सपन जी अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और वो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाएं, और जो भी इनको प्यार करने वाले हैं उनकी ऑडियंस है वो यही चाहते हैं सपन जी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और जैसे वो अभी दिख रही हैं वो ऐसी रहें, मतलब ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उनमें दिखाई दे और ऐसी वो तैयार होकर वीडियो बनाएं। तो जो प्यार करने वाले लोग हैं तो वो यही चाहते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। एंड वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।